हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहन मिश्रा और मैं पिछले 3 या 4 महीने से अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन यूज कर रहा हूँ। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं पर कुछ डाउट हैं जो उनके क्लियर नहीं हो पाए, जिस वजह से वो ले नहीं पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि जब मैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा था तब मैं यूट्यूब पर सर्च करता था तो मुझे ऐसी कोई वीडियो नहीं मिल रही थी जिसमें एक सीए का स्टूडेंट जो प्लस बैच लिया हो उसका रिव्यू मेरे को दिख जाए और थोड़ी तसल्ली मिल जाए मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना वो काम मैं ही कर देता हूँ। तो ये वीडियो एक स्टूडेंट परस्पेक्टिव से है कि एक स्टूडेंट प्लस बैच लेने के बाद उसको वर्थ इट लगता है या नहीं, या आप सिर्फ यूट्यूब चैनल जो है अनअकैडमी का जिसमें वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उससे भी आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और मेक श्योर अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि एक एक डिटेल आपको दे दूँ, जितनी डिटेल मेरे पास है, जितनी जानकारी मेरे को है, मैं एक एक डिटेल आपको बता सकूं। पर अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है आपके मन में, कोई सवाल रह जाता है, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनली जवाब दे दूंगा। या अगर ज़्यादा कमेंट्स हो जाते हैं तो मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी आपके डाउट सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सुबह हो गई है, मेरी नीचे दुकान खोल ली होगी तो इसलिए मैं चाय बना रहा हूँ, उनके लिए चाय लेके जाऊँगा। और आज के ब्लॉग का एजेंडा ये है कि क्योंकि आप में से कई सारे लोगों को पता होगा और कई सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मैं सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट हूँ। मैंने जुलाई का अटैम्प्ट किया था जिसमें मैं फेल हो गया था, क्योंकि वो मैंने खुद से किया था। और उसके बाद फिर मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया, उसके बाद मैंने अनअकैडमी से पढ़ना स्टार्ट किया, तो दिसंबर का अटैम्प्ट दिया। तो उसके बाद मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसा होप करता हूँ कि पास हो जाऊँगा, क्योंकि सारे पेपर मेरे हिसाब से तो सही गए हैं, जितना मैं कर सकता था उतना मैंने किया। उसी के लिए मैंने सोचा चलो रिव्यू बनाते हैं कि क्या अनअकैडमी पे ये 30-28 हज़ार रुपये देना वर्थ है या नहीं। और ये है हमारी मम्मी, मट्ठी दे रही मुझे चाय के लिए। तो ये है हमारे जय की दादा, सुबह सुबह उठ गए सो के। मम्मी कुछ खाया इनने? दूध पिया है इनने? छोड़ दे, पर कहाँ पर ठंड लग रही है उसे, बैठे रहने दे। और यहाँ आग रहती तो यहाँ गर्मी रहती ना, तो यहीं आके बैठ जाता है। पहले बहुत डरता था, फिर एक दिन मैंने इसको जबरदस्ती आके बैठा दिया यहाँ पे। उसके बाद से तो इसका यहीं का हो गया, देखो यहाँ आकर के ऐसे बैठ जाएगा, आग जली होगी उसका जब बुझ जाएगी, तो गर्मी रहती ना यहाँ के ऐसे बैठ जाएगा और पूरे दिन यहीं बैठा रहता है। अरे मम्मी खुद 2 फुट का होकर के उसको खिला रहा है। बेटा कहाँ पर हो, वहीं जाके बैठोगे, वहाँ गर्मी है थोड़ी सी। आज आग नहीं जल रही है मम्मी, आज आग नहीं जल रही। कहाँ पर आई है, इसका कपड़े कहाँ हैं, कपड़े कहाँ इसके, जल्दी जा। अमन पकड़ ले, अमन बुला ले बुला ले बुला ले। तो बाहर खेलना कूदना हो गया है मेरा, और क्योंकि बाहर भागवत फिर से स्टार्ट हो गई तो मैं कमरे में आ गया हूँ। और अब बात कर लेते हैं अपने मुद्दे की कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन वर्थ इट है या नहीं। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं कि मुझे अनअकैडमी के बारे में पता कैसे लगा। तो इसके बारे में मुझे पता लगा निशांत कुमार सर से, कि यूट्यूब पर जब मैं मैथ के लिए कोई वीडियो सर्च करता था तो मुझे एक बार सजेशन में आई थी निशांत कुमार सर, जो हमें सीए फाउंडेशन में मैथ पढ़ाते हैं अनअकैडमी पे, तो उनकी वीडियो मुझे दिखी। और उनकी जब मैंने 1-2 वीडियो देखी तब तो मुझे उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंकली तरीके से पढ़ा रहे थे, तो मुझे उनका तरीका पसंद आया, तो मैं उनका एक रेगुलर स्टूडेंट बन गया। फिर मैंने एक एक करके उनकी सारी वीडियो देख ली, उनका टाइम वैल्यू ऑफ मनी खत्म किया, फिर जो स्टैटिक्स हैं, फिर जो LR के 4 चैप्टर हैं, वो सारे जब मैंने खत्म किए तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया उनमें। फिर तो उनकी वीडियो देखते देखते ही मुझे सजेशन में आई अंशु सर की वीडियो। जब मैंने उनकी वीडियो देखी तो मुझे उनके पढ़ाने का तरीका ही बहुत ज़्यादा पसंद आया। पर जब तक मैं इन दोनों की वीडियो देख पाया उसके बाद आगे हमारे एग्जाम, और एग्जाम में मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो मुझे कहीं ना कहीं पता तो लग ही गया था कि हाँ मैं फेल होने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मैथ का बहुत ज़्यादा बेकार गया था पेपर। लगभग 40 या 38 क्वेश्चन कुछ करके आया था मैं। तो जब एग्ज़ाम बेकार गए तो फिर मैंने YouTube पे देखना तो छोड़ा नहीं, मैं फिर भी एक्सप्लोर करता रहा। अनअकैडमी का जो सीए फाउंडेशन प्रो चैनल है उस पर देखता रहा, और उस पर देखते देखते मुझसे मेरा और बाहुबली टीम का एक कनेक्शन बन गया। पर हाँ, मैं लाइव सेशन अटेंड नहीं किए, मैं रिकॉर्डेड ही देखता था अपने हिसाब से, क्योंकि 1.5x पे करके जल्दी से निकाल लिया करता था। फिर जब आया रिजल्ट आया, रिजल्ट पे जब मैं फेल हो गया, मैं 14 मार्क्स से रह गया, मैथ में 4 नंबर कम रह गए, और ओवरऑल एग्रीगेट में 186 रहा, तो मैं 14 मार्क्स से और 4 मार्क्स से रह गया, दोनों ही तरह से रह गया मैं। तो उसके बाद भाई मैं परेशानी में चला गया था क्या किया जाए। फिर एक दिन मैंने वीडियो देखी जिसमें
अनअकैडमी जो अंशुल अग्रवाल सर और जो पूरी बाहुबली टीम है उन्होंने आकर के PYQ MCQ एक बैच स्टार्ट किया, तो मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ उस बैच के लिए ही, क्योंकि अगर वो बैच नहीं होता तो उसके अलावा मैं ये यूट्यूब चैनल से ही पढ़ लेता, पर सिर्फ उस बैच के लिए क्योंकि उसमें मैथ के जो पास्ट ईयर के जो भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हैं वो सर कराने वाले थे, तो उसके लिए मैंने पापा से जिद की और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया। यही कुछ सोच विचार करके 19 सितंबर को फाइनली मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का डिसाइड किया और मैंने लिया। ये सब्सक्रिप्शन मेरे को जो पहले के क्रेडिट पॉइंट थे उसको और निशांत कुमार सर, क्योंकि उनकी वजह से मैंने अकेडमी पे आया, तो निशांत कुमार सर का कोड यूज करके ऑफ करके ये सब्सक्रिप्शन मेरे को 27,027 रुपये का पड़ा। वैसे 32,000 रुपये दिखा रहा था इसका वैल्यू, 27,027 रुपये का पड़ा। और ये मैंने EMI पे लिया, 9 महीने में 9,009 रुपये की किस्त कटती रहती है। और 27,000 में मेरे को CA फाउंडेशन के साथ साथ CA इंटरमीडिएट, मतलब मैंने कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लिया 27 महीने के लिए, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लगा ये, क्योंकि 27,000 रुपये में इंटरमीडिएट भी हो जाएगा और वो भी अपनी बाहुबली टीम से, जो बाहुबली टीम CA फाउंडेशन में थी वो तो आगे कैरी ऑन नहीं करेगी, पर कुछ एजुकेटर्स जैसे कि ताज सर हमारे और प्रणव सर, ये हमें इंटरमीडिएट में भी मिलेंगे और इंटरमीडिएट में कुछ और ज़्यादा सीनियर एजुकेटर भी मिलेंगे। अब आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। क्या अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन वर्थ इट था? क्या मैं पैसे देकर के खुश हूँ? क्या पढ़ाने के तरीके में कुछ डिफरेंस है हमारे टीचरों के, जैसा यूट्यूब पढ़ाते हैं ऐसा अनअकैडमी पढ़ाते हैं? तो इन सवालों के मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। आ जाते हैं अपने पहले सवाल पे कि क्या जो हमारे एजुकेटर्स हैं इनके पढ़ाने के तरीके में कुछ डिफरेंस होता है प्लस बैच में और जो फ्री क्लासेस होती हैं उसमें? तो हाँ, जो पहली चीज़ मैंने नोटिस की थी जो अपनी पहली ही क्लास में, उसमें ये कि जो प्लस बैच में क्लास होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा सीरियस होती हैं, वो थोड़ा क्लासरूम वाला माहौल देती हैं, उसमें जो हमारे एजुकेटर्स हैं वो इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं करते। ओवरऑल पढ़ाने का तरीका वही रहता है, पर जो इधर उधर की बातें कि हाँ अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया और गाने वाने ये थोड़े से कम होते हैं उधर। ये सब लाइट सेशंस आपको यूट्यूब पे ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब हमने पैसे दिए हैं तो थोड़ा सा सीरियस हो जाती है। वहीं दूसरा डिफरेंस जो मुझे दिखा, तो यूट्यूब पे एक घंटे की क्लास लेते थे सर, उसमें से 10 या 15 मिनट बस अनअकैडमी का प्रमोशन करने में निकल जाता था, पर प्लस बैच में ऐसा कुछ नहीं है, 2 घंटे की क्लास होती है, 2 घंटे स्ट्रेट पढ़ाई करते हैं सर, और मतलब हंसी मजाक करते हैं बीच में वो अलग बात है, पर हाँ स्ट्रेट 2 घंटे पढ़ाई होती है, और इस वजह से डिटेल जो पढ़ाई हो पाती है वो प्लस बैच पे हो पाती है। उसके अलावा प्लस बैच में कॉलिंग का फीचर आता है, डाउट सॉल्विंग भी आता है जिसमें आप डाउट पूछ सकते हैं, नोट्स का ऑप्शन भी आता है। फिलहाल ये सब तो मैंने फीचर यूज़ नहीं किए हैं, मैं बेसिकली पढ़ने के लिए गया था। मैं जिस बैच के लिए गया था वो बैच मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल निकला, उसकी वजह से ही मैं मैथ में कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ मैं इस बार पास हो जाऊँगा। तो अब आ जाते हैं अपने आखिरी डाउट पे कि क्या जो अनअकैडमी का ऑनलाइन क्लासेस है ये फेस टू फेस क्लासेस से भी ज़्यादा अच्छी है? तो इसका आंसर थोड़ा सब्जेक्टिव है, कि मतलब आप पे डिपेंड करता है। जैसे आप मेरी सिचुएशन अगर लेंगे, तो मैं रहता हूँ यहाँ लाल कुआं पे, जहाँ आसपास कोई बड़ा कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, तो मैं फेस टू फेस क्लास नहीं ले सकता हूँ। मेरे पास जो नियरेस्ट कोचिंग सेंटर है वो लक्ष्मी नगर में है, जिसमें अगर मैं आना जाना करूँगा, अप डाउन करूँगा, तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा और बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद होगा। तो इस वजह से मुझे तो ऑनलाइन क्लास ही लेनी थी। तो ऑनलाइन क्लास में मेरे पास ऑप्शन पेन ड्राइव क्लासेस का भी था और ये अनअकैडमी का भी था। तो पेन ड्राइव क्लासेस पर मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ पर अगर मैं फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन लेने जाऊँ तो 12-15 हज़ार तो यूँ ही चले जाते हैं, और कुछ रिस्ट्रिक्टेड व्यूज़ होते हैं उसमें, 2 या 3 बार देख लो कुछ। और वहीं पे अगर इंटर की बात करें तो 10-12 हज़ार रुपये तो मैंने रिसर्च कर ली थी इतनी कि 10-12 हज़ार रुपये तो चले ही जाते हैं पर सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ। तो अनअकैडमी मुझे इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वो वैल्यू फॉर मनी लगा, तो इसलिए मैंने अकेडमी पर गया। इसके साथ साथ टाइम बचेगा, वो तो है ही ऑनलाइन क्लास के जो फ़ायदे हैं, पर बस एक जो थोड़ा सा मुझे वो लगता है नेगेटिव पॉइंट है ऑनलाइन क्लासेस का, सिर्फ अनअकैडमी का नहीं, वो ऑनलाइन क्लासेस का ही लगता है मुझे, कि वो क्लासरूम वाली फील नहीं आती है, वो मतलब नए दोस्तों से मिलना या फिर वो समझ रहे हो, बस एक वो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। पर हाँ, करना पड़ेगा, जब इतना पैसा बचाना है, जब इतना पैसा बच रहा है तो फिर अब थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो बस यही था आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके सारे डाउट सॉल्व कर दिए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कुछ डाउट रह जाते हैं तो जैसा मैंने पहले बताया था कि आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, या ज़्यादा डाउट आते हैं तो मैं उस पर एक अलग वीडियो भी बना दूंगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप शेयर कर देना उन बच्चों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ जो कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं पर एक रिव्यू देखना चाहते थे एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बस इसी नोट पे कि आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं वो जल्दी से CA क्लियर करें और CA बन जाएं, मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ और आपसे मिलता हूँ अगले कैसे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें और बाय बाय।